अस्सलाम वालेकुम TFT फूड चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं पाया करी और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने रखे हुए हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। हमने 4 अदद बकरे के पाए लिए। इसके अलावा जो स्पाइसेस हम डालेंगे जब हमने पाए गलाने हैं उस टाइम, उसमें दालचीनी है, तेज़पत्ता है, लौंग पेपर है, क्लोव्स हैं, इसके अलावा सब्ज़ इलायची है और काली मिर्च है और थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कम्बिनेशन जो है इसके अंदर जो एक हीक होती पाए की वो सारी ख़त्म कर देगा और बड़ा अच्छा बेहतरीन टेस्ट आएगा। इसके अलावा इसमें हम कटा हुआ रफली कटा हुआ प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 ग्रीन चिल्ली जो है ये भी इसमें डालेंगे और 100 ग्राम ऑयल लेंगे, उसमें इसको अच्छी तरह भूनेंगे और उसके बाद पानी डाल के इसको सिमरिंग हीट पे रखेंगे। अभी हम पाया बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो मैंने आपको फुल स्पाइसेस दिखाए थे स्टार्ट में वो हम डालेंगे। इसमें ब्लैक पेपर, इसके अलावा ग्रीन चिल्ली, क्लोव्स, इसके अलावा दालचीनी, तेज़पत्ता, थोड़ी सी सौंफ, ये सारी चीज़ें हमने डाल लें और ये लौंग पेपर जो है ये पाए में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट इसका जायका बनाता है वो पेपर है। तो हम 2 तरह के पेपर यूज़ कर रहे हैं, एक राउंड पेपर है ब्लैक पेपर और एक ये लौंग पेपर। अभी हम इसमें ग्रीन चिल्ली और बाकी चीज़ें डालेंगे, ऑनियन और ये लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने बनाई थी ये हम डालेंगे। तो हमने अच्छी तरह भून लेंगे। गार्लिक की पेस्ट, इसके अलावा 2 ग्रीन चिली को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें पाए जो है वो हम डालेंगे। पाए हमने साफ करके अच्छी तरह, उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया था थोड़ा सा और बॉईल करके और अब इसको इसमें डाल ये रेसिपी आप घर पे इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरह मैं बना रहा हूँ इसको फॉलो करें, इसी तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत एक डिफरेंट टेस्ट और बड़ा अच्छा इसका शोरबा और इसका जायका जो है वो बड़ा अच्छा, बड़ा सूखी सा, स्पेशली आगे विंटर सीजन आ रहा है तो उसमें आप घर में बनाएँ और सब बहुत इंजॉय करेंगे। अभी इसमें हल्दी डालेंगे, अभी इसकी अच्छी तरीके से बनाई कर ली है और इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जिस तरह की हमारी ज़रूरत थी वो डन हो चुकी हैं। हल्दी भी डाल दी हमने, अब हम इसमें पानी डालेंगे
और मैं तकरीबन 8 कप जो है वो पानी इसमें डालूंगा और इसको सिमरिंग हीट पे बड़ी हल्की आग पे इसको पकने दूंगा और बिल्कुल वेल डन नहीं करना बल्कि हाफ डन करना। उसके बाद हम मसाला भून के और बाकी विंग उस पर करेंगे। हमने इसलिए नहीं करना कि एक तो जब हम मसाला इसका बनाएंगे और उसकी बुनाई करेंगे तो अगर फुल डन होगा तो ये उसमें अगर पाए उसमें डालेंगे तो वो टूट जाएंगे सर। अब हम इसको सिमरिंग हीट पे रख देंगे और तकरीबन 60 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। व्यूअर्स अभी इसको तकरीबन 2 आवर्स हो चुके हैं क्योंकि हम प्रेशर कुकर पे नहीं बना रहे हैं, इसको सिमरिंग हीट पे। इससे ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर और टेस्ट जायका जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका आता है और इसके जो जूसेस होते हैं अंदर वो अच्छे तरीके से निकलते हैं। आप देख सकते हैं इसका बड़ा अच्छा सूप बन चुका है। जो सूप है वो अलहदा करेंगे और मसाला भून के फिर इसको डाल के और दोबारा फिर तकरीबन 1/2 आवर के लिए इसको सिमरिंग हीट पे रखेंगे ताकि जो मसाले का अच्छे तरीके से उसका जो टेस्ट जायका वो इनमें आ जाए पाए में। ये आप देख सकते हैं बड़े अच्छे गल चुके हैं और अब हम स्टॉक को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको स्टेन कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो ऑनियन और बाकी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह हैं वो अलहदा हो जाए। अभी हम इसकी बनाई शुरू करें। सबसे पहले हम इसी योगर्ट में ये सारे स्पाइसेस जो हैं मिक्स कर लेते हैं। ये ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला और ग्राउंड ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके बाकी प्रोसेस जो है वो चूल्हे के ऊपर आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है इसको अच्छे तरीके से। योगर्ट जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम और इससे बड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा। टमाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप योगर्ट यूज़ करें बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप सारी चीज़ें इसमें मिक्स की। अब चलते हैं चूल्हे वाली साइड पे और इसको बनाई इसकी शुरू करते हैं। अभी सॉस पैन के अंदर हमने 100 ग्राम ऑयल जो है वो डाल लिया हुआ है और इसमें सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं वो हम डालेंगे। इसमें आग थोड़ी मीडियम कर देंगे और इनको सौते कर लें, अपना अरोमा छोड़ देंगे थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये जो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट हमारी बची हुई थी हमने डाली, इसको सौते करेंगे। इसको आपने जब ये अपनी खुशबू छोड़ना, ब्राउन नहीं करना, जब खुशबू छोड़े उसी टाइम आपने योगर्ट और वो जो स्पाइसेस हमने मिक्स किए थे वो इसमें डालने हैं। ये डन हो चुका है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये जब पाए बन के तैयार हों उसमें स्पाइसेस और इसके अंदर जो मसाले ऑनियन जिंजर गार्लिक जो भी चीज़ डालते हैं वो इस तरह होनी चाहिए कि नज़र ना आए और बिल्कुल इसका जो शोरबा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी है ऑलमोस्ट, ये बुनाई हमने कर ली है काफ़ी। अब इसमें पाए डाल के और मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से जी भून लेंगे इसके साथ, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे तरीके से जो पाए हैं उसके अंदर आ जाए। अभी पाए और मसाला हमारा रेडी हो चुका है और बड़ा अच्छा इसमें से अरोमा टेक्सचर बड़ा अच्छा है सारा। अब लास्ट स्टेप में हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, जितनी जो हमने बनाई थी और अलग से निकाली थी। अब इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद ढक के रख देंगे हल्की आंच पे। अभी हमारे पाए रेडी हैं, चेक करें ज़रा। बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुके हैं। इसके ऊपर इसका जो ऑयल है वो भी आ चुका है। अभी थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिल्ली इसके ऊपर डालेंगे ताकि अरोमा और ज़्यादा अच्छा हो जाए।